एम सी वीर सिंह विजेंद्र जी अविनाश जी वेलकम आपका निशु कटारिया जी आपका वेलकम थोड़ी देर अनमोल जसवाल जी निशु जी दयानंद साहू जी कविता नीरज जी वीर जी शिवम जी नामदेव से रीवा से वेलकम सर आपका संदीप शर्मा जी अविनाश गुप्ता जी गुरु जी प्रणाम थैंक यू सर थैंक यू मैं गुरु जी नहीं हूँ आपका ही दोस्त हूँ आपका भाई हूँ अनमोल जसवाल जी आवाज़ आ रही है सर आपको थोड़ा सा ऐसे यस लिखेंगे आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है मेरी सभी को आवाज़ आ रही है सर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप यस यस देख के मुझे थोड़ा सा सिग्नल देंगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर सभी को मेरी आवाज़ आ रही है निशु जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपसे तो आप थैंक यू शिवम जी विदि सिद्धि मोनिका गिटारिया जी वेलकम मोनिका जी आपका गुडाम सी विवेक तिवारी जी राधे कुमार ममता मिंगलानी Uh, किशोर नायर वेलकम सर आपका सभी का राहुल गुप्ता जी किशोर नायर जी यस ओके ओके थैंक यू आवाज़ आ रही है आपको मेरी यस यस थैंक यू सर हरी प्रसाद जी वेलकम राकेश यादव जी uh, निशु जी ठीक है ओके सर थैंक यू सुनील कुमार जी बॉम्बे से महाराष्ट्र से जी सर वेलकम आपका हरी प्रसाद जी थैंक यू ओके okay, मोनिका जी थैंक यू संदीप शर्मा जी राकेश यादव जी वेलकम बस एक दो मिनट की वेट करते हैं हम तो स्टोरी स्टार्ट करेंगे दोस्तों सिर्फ एक दो मिनट यस संदीप शर्मा जी वेलकम सर ओके प्रोजेक्ट सर स्मोकिंग परफेक्ट सर थैंक यू शिवम जी थैंक यू लव यू संदीप शर्मा जी दिगंबर आ, आ, रमेश प्रसाद जी गोपाल रागनी जी डॉक्टर विनीत निरंकारी जी चित्रकूट से आईएमसी, जी बिल्कुल बिल्कुल अमित कागड़ा जी वेलकम सर अमित जी आपका वेलकम मनीष श्रीवास्तव किशोर नायर उड़ैम सी दोस्तों आप सभी का दोस्त मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों आज आपसे मिलने के लिए तो ओके गुड सी सभी का अमित कावड़ा जी हेलो सर गुडायम सी ए... क्या सर गुडायम लव यू अजय कुमार जी यू परमवीर सिंह जी सत्य प्रकाश जी गोस्वामी अजय अजय गुरु जी किशोर कुमार जी गुडायम बस जस्ट हम एक एक आध मिनट की वेट करेंगे दोस्तों वैसे तो साढ़े तीन सौ लोग आ चुके हैं एक सिर्फ एक आध मिनट वेट करेंगे तक, तब तक हम थैंक्स करते हैं सभी का गुडायम सिंह दोस्तों एक आध मिनट की वेट हो चुकी है तो दोस्तों गुडायम सी आपका दोस्त मनीष मनचंदा आवाज़ आ रही है सर सब हाँ ठीक है दोस्तों तो मैं बहुत एक्साइटेड था सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा परमपिता परमात्मा जगतजननी माँ का जिसके जिसके आशीर्वाद से मैं आज इस काबिल बना कि मैं आप लोगों को आईएमसी के सत्तर लाख एसोसिएट हैं जिनको आज जिसके अंदर आज मेरा ट्वेंटी सेवन नंबर पर ट्वेंटी सेवन नंबर पर मेरा नंबर आया पूरे आईएमसी की टीम के अंदर तो ये सारा शेय जाता है उस भगवान का उस जगत जननी माँ का शिवकांत मिश्रा जी थैंक यू सर गुडाम सिंह वेलकम आपका बहुत बहुत आपका बहुत बड़ा योगदान है तो जरूर सुनिए आज जसवंत जी ओके तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा जगतजननी माँ का जिसकी कृपा से आज मैं इस काबल बना कि मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ सुना सकूँ तो एक बार मैं कहूँगा एक बार आप प्रेम से कहेंगे जय माता दी ओके थैंक यू तो दोस्तों दोस्तों नाम मनीष मनचंदा मैं पंजाब से हूँ दोस्तों तो मेरे जो जन्म एक नौ उन्नीस में हुआ दोस्तों डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में तो मैं आज अपने आपको स्टोरी बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जी मैं पूरी तैयारी के साथ आया हुआ हूँ नाम मनीष मनचंदा दोस्तों तो मेरे माता पिता जी मैं आपको अभी अपनी स्टोरी के साथ आपको कुछ दिखाऊंगा अभी आ, ये देखिए दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा ये मेरा अब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा ठीक है दोस्तों आपको दिख रहा है ये मेरी फोटो है दोस्तों ये मेरे बचपन की फ़ोटो दोस्तों उसके बाद ये मेरा नाम और मेरे माता पिता जी जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे इनकी कृपा से मैं अब तक यहाँ पहुँचा हूँ अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में है दोस्तों तो दोस्तों मैं अपने बारे में बात करूँगा जो मेरे पिताजी थे उनकी बहुत एक छोटी सी दुकान थी चार बाई चार की आप देख पा रहे हो एक बहुत छोटी सी दुकान तो दोस्तों उस दुकान के अंदर इस दुकान से सुबह छः बजे से लेके रात के दस बजे तक मेरे पिताजी काम करते थे जिससे हमारे परिवार को हम पालते थे एक बहुत गरीब परिवार में दोस्तों मेरा जन्म हुआ जो मेरे पिताजी ने हमें पाला तो दोस्तों मेरा बचपन से ही भगवती माँ के चरणों में बड़ा नमन रहता था तो परमात्मा की कृपा से मैं उसके चरणों में नमन रहता था उसकी आ, उसका नाम लेना उसके चरणों में ध्यान धरना बचपन से ही मेरा ध्यान था तो दोस्तों ये मैं जागरण में सिंगिंग करना ये उसका आशीर्वाद था दोस्तों ये मेरा प्रोफेशन ही उसके कृपा से मैं जागरण में सिंगिंग करता उसके चरणों में उसका नमन करना ये मैं आपको फोटो के साथ लाइव आज दिखा रहा हूँ अपनी स्टोरी दोस्तों दोस्तों जैसे तैसे मेरे घर वालों ने मुझे बारहवीं तक पढ़ाया पैसे की कमी थी दोस्तों बचपन से ही मेरा एक लक्ष्य था कि मैं जिंदगी में अमीर कैसे बनूँ बारहवीं तक दोस्तों लोगों मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा के उसके बाद मुझे दुकान पे बिठा दिया और दुकान पे मैं अपने पापा के साथ बैठना मैंने शुरू कर दिया दोस्तों जैसे वहां पे फेस्टिवल लगा और थोड़े थोड़े काम करना ऐसे हम अपनी जिंदगी का कुछ है? असरा चलाना हमने शुरू किया दोस्तों दुकान पे बैठते ही दोस्तों मैंने ये सोचा भी जिंदगी ऐसे तो कट जाएगी दोस्तों कुछ बड़ा करेंगे नहीं तो कुछ बड़ा बनेंगे नहीं दोस्तों बड़ा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे हम तो पहले ही बहुत छोटी सी दुकानदारी चला के इसी पे कैसे भी थोड़ा बहुत पैसे इधर उधर करके जिंदगी काट रहे थे तो मैंने सोचा अभी कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा बड़ा बनने के लिए क्योंकि मैंने एक राइटर से एक बुक से एक लाइन पढ़ी थी आप गरीब घर में पैदा हुए इसमें आपका कोई कसूर नहीं है दोस्तों आप गरीब घर में पैदा हुए इसमें आपका कसूर नहीं है लेकिन आप गरीब रहकर मर गए इसमें सबसे बड़े कसूरवार दोस्तों आप हो दोस्तों दोस्तों उसके बाद मैंने दुकान पे बैठे बैठे सोचा कुछ बड़ा करना पड़ेगा पैसे नहीं थे मेरे मामा जी जो कि यहाँ पे पीएनबी बैंक में मैनेजर थे मैं उनके पास गया उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरे घर पे हमारे कुछ लोन दिला दिया तो दोस्तों मैंने एक क्रोकरी एंड गिफ्ट हाउस की एक दोस्तों दुकान की ये आप देख पा रहे हो एक मैंने दुकान की क्रोकरी एंड गिफ्ट हाउस की उस दुकान के अंदर दोस्तों साढ़े लाख रुपये का लोन लिया तो मैंने ये दुकान खोली उस दुकान के अंदर दोस्तों मैंने साढ़े तीन चार साल बहुत मेहनत की बहुत फेस्टिवल लगाए तो उस फेस्टिवल लगाने के बाद दोस्तों लेकिन साढ़े तीन साल के बाद वो सारा जो पैसा अपना ना हो तो दोस्तों कोई भी बिजनेस नहीं चलता अपने पैसे के बगैर तो दोस्तों मैंने साढ़े तीन साल में वो साढ़े तीन लाख रुपए का जो कर्जा था वो साढ़े चार लाख रुपए हो गया कर्जा सिर पे आ गया दोस्तों तो मैंने उस दुकान को बंद करना ठीक समझा घर वालों ने हाथ जोड़ दिए भी आगे इसको बढ़ाएगा तो और कर्जाई हो जाएंगे इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे तो दोस्तों मैंने वो दुकान बंद की और अपने पापा जी की दुकान पर आके बैठ गया और पापा जी के साथ उसी काम को कैसे न कैसे पतंगे बेचनी और बहुत कुछ ऐसे उस दुकान पर काम किए मैंने तो लेकिन ज़िंदगी को चलाना शुरू किया छोटी सी दुकान थी क्या बनता उसमें ऐसे सोचता रहा दोस्तों लेकिन दोस्तों मैंने फिर घर वालों को रिक्वेस्ट की भी कुछ तो करना पड़ेगा पैसे नहीं थे मेरे पास दोस्तों से पैसे लिए थोड़े बहुत तो दोस्तों मैंने फास्ट फूड का काम करना शुरू किया फास्ट फूड का काम किया समोसे बनाने का काम भटूरे बनाने का काम बहुत जिंदगी में पापड़ वे दोस्तों आप मेरी स्टोरी को आज ध्यान से सुनना फास्ट फूड का काम किया लेकिन दोस्तों डेढ़ साल मैंने ये काम किया लगभग और उस काम के अंदर भी वो मेरे लायक काम नहीं था बर्तन भी माँझने पड़ते थे समोसे बनाने पड़ते थे बहुत कुछ ऐसा काम करना पड़ता था दो दोस्तों मैंने वो काम छोड़ दिया लेकिन उस काम में भी मैं मुनाफा ना कमा पाया तो नुकसान हो गया वापस पापा जी के पास जाकर बैठ गया तो घर वालों ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए अब तूने कोई काम नहीं करना तूने कुछ भी नहीं सोचना लेकिन दोस्तों मैं और भी गरीब हो चुका था लेकिन पैसे कमाने की ललक थी मेरी जो मेरे अंदर सबसे बड़ा मिशन था कि मेरे जितने भी रिश्तेदार थे वो सब अमीर थे दोस्तों सब सेटल थे हम कहीं भी जाते कहीं शादी पर जाते वो गाड़ियों से आते हम बसों से जाते रिक्शों से जाते उनको देख कर मेरे मन के अंदर एक रवक होती थी उनके साथ बैठने में मुझे अपनी गरीबी का एहसास होता था भी मेरी ज़िंदगी कैसे सवरे की दोस्तों उसके बाद मैंने समोसे की दुकान बंद कर दी क्योंकि उसमें भी नुकसान हो रहा था तो मैं पापा जी के पास बैठ गया तो फिर मैंने घर वालों को मनाया भी ऐसे तो ज़िंदगी फिर कट जाएगी फिर गर्वालों को मनाने के बाद दोस्तों मैंने पापा जी के काम को बड़ा कर दिया कुछ तो सोचना पड़ेगा दोस्तों देखो मैं हमेशा कहता हूँ जो इंसान जिंदगी में लड़ता नहीं है वही हारता है दोस्तों जो लड़ता नहीं है वही हारता है जो लड़ता है वो कभी हारता नहीं है या तो वो जीतता है या वो सीखता है दोस्तों मैं जीता नहीं था आज तक लेकिन मैं सीखता गया सीखता गया तो घर वालों को मनाने के बाद मैंने एक और दुकान की कन्फेक्शनरी की उसको बड़े ढंग से सजाया मैंने सोचा इस काम से अब जिंदगी बदलेंगे लेकिन काम तो फिर भी वो छोटा था दोस्तों लेकिन उस दुकान पे बैठ के मुझे जो जिंदगी में समझ आता था मैं वो सब करता था दोस्तों उस दुकान पे बैठे बैठे एस टी डी पी सी ओ का काम चला से ये कम से कम दस साल पुरानी काम बात है एस टी डी पी सी ओ का का काम आया मैंने वो भी किया उस हाथ में बहुत से काम आए मोबाइल सेकंड हैंड पर जेज करना शुरू किया मैंने हार बनाना शुरू किया कॉफ़ी की मशीन का काम स्टार्ट किया एच लाइफ इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया उस दुकान पर बैठ मुझे जो समझ आया मैंने किया क्योंकि मुझे चाहिए क्या थे दोस्तों पैसे चाहिए थे मैंने अपने कर्जे को उतारना था मैंने जिंदगी से बाहर निकलना था तो दोस्तों जब मेरा काम हो गया काम चलने लगा थोड़ा बहुत जैसे जैसे जिंदगी काटने लगी तो घर वालों को शादी की चिंता होने लगी तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी दोस्तों मेरी ये मेरी बहुत आज से कम से कम पंद्रह साल पुरानी फोटो है दोस्तों मेरी रजनी मनचंदा जो मेरी वाइफ मेरी जीवन पार्टनर मेरे तो उसके साथ मेरी शादी हुई तो मैं थैंक्स करता हूं इसने मुझे बहुत साथ दिया इसने आके मेरे हाथ पे हाथ बटाया तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी थोड़ी बहुत चलनी शुरू हुई दो बच्चे हो गए एक गुड़िया सुहानी, प्रथम मेरा बेटा बड़ा बेटा तो ये दोनों बच्चे हो गए खर्चे और बढ़ गए खर्चे बढ़ने के साथ दोस्तों मैं अपनी दुकान पर बैठता बैठता यहीं से आया दोस्तों मेरा आई का टर्निंग पॉइंट दोस्तों सुनना यहीं से आया मेरा आईएमसी का टर्निंग पॉइंट और मेरी ज़िंदगी में मैंने बचपन से ही भगवती माँ के चरणों में नमन किया था मैं लड़ता गया उसको चरणों में नमन करता गया लड़ता गया तो जगत जन्य माँ की कृपा से मैं ये सोचता हूँ दोस्तों मेरी ज़िंदगी में आया तो उसकी कृपा से हुआ तो मेरी जिंदगी में एक भगवान आया जो मैं बोलता हूँ भगवान कभी भी खुद पर नहीं आता वो किसी ना किसी रूप में आते हैं तो मेरी ज़िंदगी में आई एम सी रूपी आए भगवान मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी एक बार मैं कहूँगा दोस्तों इनके लिए ज़ोरदार ताी आप लगाएं तो इनके ये मेरी ज़िंदगी में आए दोस्तों मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी इन्होंने दोस्तों आई एम सी के बारे में मुझे बताया तो सिर्फ एक ही बात मुझे समझ आई इन्होंने कहा दोस्त इस काम को करने से लाखों रुपये महीना तुझे आएंगे दोस्तों तो दोस्तों मैंने उस जिंदगी में काम करना शुरू किया कैसे तैसे मैंने धर्मिंदर सर के साथ फिर अपना अपना टाइम निकालना शुरू किया मीटिंगें करनी शुरू की इनके पास कोई कन्वेंस नहीं था हमने मीटिंगें करनी शुरू की दोस्तों मेरे पास एक छोटा सा विकल्प होता था दिनों रात हम काम करते थे मीटिंगें करते थे ये धर्मिंद्र सर की आप बहुत पुरानी फोटो देख रहे हो तभी की फ़ोटो है तो दोस्तों मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा धर्मेंद्र सर ने जब आईएमसी बिजनेस को शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कोट को से शुरू किया दोस्तों पंजाब से कोटकपुरा को से अपने आईएमसी बिजनेस को शुरू किया दोस्तों तो सबसे पहली जो उनकी आईडी थी वो आपके इस भाई की थी मेरी आईडी थी दोस्तों हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और कोटकपुरा को से ही बिज़नेस शुरू हुआ हमने मीटिंगें करनी की और एक और मेरी ज़िंदगी में मिस्टर अजय मान जो हमारे आईएमसी की आन बान शान मिस्टर अजय मान जी जो मेरे ग्रेट गुरु जिनके आशीर्वाद से उनके पास एक गाड़ी होती थी इंडिका विस्टा अभी पहली गाड़ी थी उनके दोस्तों चेयरमैन बने थे कंपनी के अंदर पहले चेयरमैन थे वो तो चेयरमैन बने थे तो वो गाड़ी लेके आते थे हम उस गाड़ी में बैठते थे बड़ा अच्छा लगता था वो हमें ढाबे पे ले जाते खाते पीवाते वही हमें अच्छी व्यक्ति थी तो दोस्तों हमने आईएमसी में काम करना शुरू किया बहुत सी मीटिंगें की हमने कोडुकपुरा के अंदर काम शुरू किया और ऐसे ही काम करते करते दोस्तों मेरी जिंदगी में एक और शख्स की मेरी एंट्री हुई मेरी दुकान पे जो भी आए मैं उसको जो आए सब बताता गया आईएमसी का बिजनेस और दोस्तों मेरी जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई आप देख सकते हो इनका नाम है शिवकांत मिश्रा शिवकांत मिश्रा ये मेरी दुकान पे दोस्तों ये हरियाणा से इनका बिजनेस नहीं चल रहा था थोड़ा सा ध्यान से सुनना दोस्तों बिल्कुल हरियाणा से इनका बिजनेस नहीं चल रहा था इन्होंने कोट कुपूरा में आके एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला वहाँ पे वो भी पैसे नहीं थे प्रधानमंत्री से कुछ लोन की व्यवस्था की छोटे से दो तीन कंप्यूटर लिए और कमरे में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया मेरी दुकान पे आए कुछ अपना सामान लेने के लिए तो इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ दे इनकी आंखें खराब थी सेहत खराब थी तो मेरे पास जो भी आता था मैं उसको हर वक्त आई के बारे में बताता गया मैंने सबसे बात की इनकी आंखों के लिए कुछ अपनी एयोज्योति प्लस दी और प्रोडक्ट दिए मैंने तो इन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ किया इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसके बाद सर दोस्तों इन्होंने थोड़े दिन में आके मुझसे पूछा तो मैंने इनको आई एम बिजनेस के बारे में बताया इन्होंने बहुत इंटरेस्ट से उसको सुना हमने इनके कंप्यूटर सेंटर पे छोटी छोटी मीटिंगें करनी स्टार्ट की ये शुरू से ही बड़े लगन से काम में इंटरेस्ट लेने लगे दोस्तों और हमने काम करना शुरू किया धर्मेंद्र सर ने सर ने मिश्रा जी ने हमने बिल्कुल एक मक होके कोडुकपुरा से काम स्टार्ट किया तो सही मायने में बताऊं दो हजार दस की ये बात है जब मैंने ज्वाइनिंग हुई थी आईएमसी की शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग पंजाब से हुई और कोटकपुरा शहर से हुई इनके जो मेन लीडर थे धर्मेंद्र सर मान सर और मिश्रा जी स्टार्टिंग पे और आपका ये भाई हम स्टार्टिंग पे हम ही कुछ लीडर होते थे दोस्तों और मैंने काम स्टार्ट किया तो दोस्तों फिर मैंने एक सवा साल के अंदर कंपनी के अंदर रूबी स्टार अचीव किया बहुत से ऐसे धर्मशाला में डल्होजी में टूर हुए वो सभी अचीव किए मैंने तो लगन से काम करना शुरू किया एक डेढ़ साल के अंदर दोस्तों मैं कंपनी के अंदर रूबी स्टार ट्रेवल पर पहुंच गया दोस्तों दोस्तों उसके बाद आईएमसी का पहला गोवा टूर गया जो मेरे लिए फ़ौरन टूर ही था क्योंकि बाई एयर जाना था गोवा हमें लग रहा था मुझे लगता था शायद गोवा भी फ़ौरन में है हमें कुछ नॉलेज नहीं थी इस जिंदगी में कुछ काटा नहीं था पहला टूर हुआ हम मात्र छः सात लोग थे जो गोवा गए थे आईएमसी का सबसे पहले टूर ये आप देख रहे हो इसके अंदर मानसर हैं एमडी सर हैं हम देखे खड़े हुए हैं और हमने ये मानसर हमने गोवा टूर अचीव किया और मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों तीस चालीस हजार रुपये मंथली इनकम मेरी हो गई स्टार्ट लेकिन दोस्तों यहाँ से मेरी जिंदगी का कुछ टर्निंग पॉइंट चेंज हुआ आप ध्यान से सुनना मेरी बात को ज़िंदगी में कुछ टर्निंग पॉइंट आया क्या आया दोस्तों कि मेरे कुछ दोस्त थे जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र थे मेरा उनके साथ बैठना उठना था तो उसके साथ रहते जैसी संगति होती है वैसे कुछ असर हो जाता है दोस्तों तो मेरे साथ में एक प्लॉट था उस प्लॉट को मैंने डील किया वो प्लॉट बिक गया तो उससे मुझे पैंसठ हजार रुपये की इनकम आई तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खिसक गया दोस्तों मुझे ऐसे लगा प्रॉपर्टी का, का काम करना आसान है इसमें थोड़ा बहुत बात करते हैं तो पैसे आ जाते हैं आईएमसी का, का काम करना मुश्किल है तुलसी तो बेचनी मुश्किल है मुश्किल लगने लगी क्योंकि वहां से पैसा मुझे दिखना शुरू हो गया दोस्तों यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी थी मेरी बात को समझना आप मैंने प्रॉपर्टी का, का काम करना शुरू कर दिया और मैं प्रॉपर्टी एडवाइजर बन गया दोस्तों और आईएमसी को मैं साइलेंट कर गया जितनी मेरी टीम थी सारी टीम को साइलेंट कर दिया और जो शिवकांत मिश्रा जी थे वो कंप्यूटर सेंटर उनका चल नहीं रहा था उसका किराया नहीं निकल रहा था वो वापस हरियाणा में चले गए और मैं प्रॉपर्टी के अंदर चला गया दोस्तों और मैंने वो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ सालों में एक छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली अपनी ज़िंदगी को मैं सेट कर गया मुझे लगा भी शायद बढ़िया काम हो गया मैरिज पैलेस के अंदर मैंने शेयर डाल लिया अपना रैंक बड़ा कर लिया अपनी ज़िंदगी को काम करना शुरू कर दिया दोस्तों कोठियाँ बनानी शुरू कर दी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब सेट हो चुकी है मैं अपनी जिंदगी में बहुत सेट हो चुका था मेरा परिवार को जो छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए थी वो मैंने देनी शुरू कर दी दोस्तों तो मैं अपनी ज़िंदगी में सेट हो चुका था लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ज़िंदगी में उन सालों में क्या गवाया दोस्तों क्या मिस किया दोस्तों एक दिन और मेरे पापा जी की डेथ हो चुकी थी कुछ सालों के बाद मेरी जो दुकान थी मैंने प्रॉपर्टी का ऑफिस बना लिया था एक दिन प्रॉपर्टी के ऑफिस के अंदर मैं बैठा हुआ मैं आपको बताऊं जिस शख्स को शिवकांत मिश्रा जी जो आज से सात साल पहले क्योंकि कुछ साल बीत चुके थे पाँच साल हो चुके थे मुझे अपने आईएमसी को साइलेंट किए हुए शिवकांत मिश्रा जी जी जो सात साल पहले मुझे मिले थे वो यहाँ से चले गए थे दोस्तों और वो हरियाणा में चले गए थे मेरे से कनेक्शन टूट गया था उनका लेकिन दोस्तों उन्होंने हरियाणा में जाकर शिवकांत मिश्रा जी और प्रदीप मिश्रा जी दोनों भाई हैं घर वालों ने बोला अब नौकरी करो वहाँ पे जाकर और हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें लेकिन दोस्तों उन्होंने वहाँ पर जाकर प्रदीप जी ने नौकरी की लेकिन मिश्रा जी ने नौकरी नहीं की मिश्रा जी ने घर वालों को समझाया कि मुझे एक साल आईएमसी में देना है एक साल का मुझे मौका दे दीजिए मैं आईएमसी करना चाहता हूँ घरवालों से संघर्ष किया उनसे लड़के के उन्होंने हरियाणा से आईएमसी बिजनेस को करना शुरू किया और अपने आप को आईएमसी भट्टी के अंदर झोंकने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गए दोस्तों चार साल दोस्तों उन्होंने आईएमसी की वहां पे और मैं चार साल में प्रॉपर्टी के काम में व्यस्त रहा बात को ध्यान से सुना दोस्तों लेकिन चार साल के बाद जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था शिवकांत मिश्रा जी जहाँ से चले गए थे मुझे नहीं पता था वहाँ पर जाकर चार साल उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान के हर कोने कोने में उन्होंने आईएमसी की ऐसी लहर दौड़ा दी पूरे तो चार साल के बाद जब वो मुझे मिलने आए दोस्तों तो वो मिश्रा जी जो इस कंडीशन में थे तो चार साल के बाद दोस्तों मिलने आए तो वो क्राउन प्रेजिडेंट शिवकांत मिश्रा बन चुके थे दोस्तों जिस गाड़ी से मिलने आए मुझे वो जैगवार गाड़ी एक करोड़ रुपए की गाड़ी से वो मुझे मिलने आए दोस्तों दोस्तों यकीन करना मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उन्होंने मैंने इतना हैरानीजनक देखा उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया तो मेरी आंखों में आंसू और मैंने सोचा सर आप पहुँच गए तो मिश्रा जी ने बोला सर आई के अंदर वो पावर है आप कहाँ हो तो दोस्तों उस दिन मैंने उनका सेमिनार अटेंड किया तो मैंने बैठ के बड़े प्यार से उनको सुना तो दोस्तों क्या आया अब इस बात को यहाँ से समझना दोस्तों जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ मुझे समझ क्या आया काम ऐसा नहीं मैंने काम नहीं किया मैंने प्रॉपर्टी का बहुत काम किया मैंने पैसे खूब बनाए लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी के अंदर मैंने इन दोनों हाथों से काम किया लेकिन शिवकांत मिश्रा जी जाकर उन्होंने चार साल आईएमसी की लेकिन दोनों हाथों से नहीं की दोस्तों आईएमसी की पावर का मुझे उस दिन पता चला उन्होंने आईएमसी दोनों हाथों से नहीं की आईएमसी के सिस्टम के अंदर उनके लाखों हाथों से काम किया दोस्तों लाखों हाथों से उन्होंने आईएमसी बिजनेस को किया लाखों हाथों से पैसे कमाए जब मुझे पता चला दूसरे काम करने में और आईएमसी करने में फर्क क्या है दोस्तों कोई भी काम करोगे दो हाथों से काम करोगे लेकिन यदि करोगे इसमें लाखों करोड़ों हाथों की इनकम आएगी तो उस काम को करते आपकी इनकम दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ जाएगी दोस्तों जब ये बात मुझे समझ आई तो उसी दिन से मैंने डिसीजन लिया आज के बाद तूने कुछ नहीं करना करेगा तो सिर्फ तू आई करेगा मैंने प्रॉपर्टी का सारा काम उसी दिन छोड़ दिया मैरिज पैलेस से अपना शेयर उसी दिन निकाल दिया सारा काम करना छोड़ कर छोड़ दिया और मैं दोबारा से रेडी हो गया और एम सर के पास गया उनसे मिला मैंने और उनसे आशीर्वाद लिया और मैंने दोबारा से आईएमसी करनी स्टार्ट कर दी दोस्तों ये बात है दो हज़ार सतारह की और जनवरी की जनवरी दो हज़ार सतारह आज से ढाई साल पहले दोस्तों बहुत लंबा समय नहीं है तो दो से मैंने आई का झंडा पकड़ा और मैंने दिन और रात काम करना शुरू कर दिया मुझे मेरा विज़न क्लियर हो चुका था भी आई के अंदर ही अमीर बना जा सकता है मैंने अपना विज़न क्लियर किया और आई को करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत सी टीम बनाई मेरी टीम में बहुत से अच्छे अच्छे मेरे दोस्त मिले मनप्रीत जी अमित कावड़ा जी मोनिका कटारिया जी जसपाल जी और बहुत सी टीम मेरी अपनी टीम बनाई जसवंत जी बहुत से लोग मेरी अपनी टीम में मिले जिनके सहयोग से बहुत बड़ी टीम मैंने तैयार की और दोस्तों दो हज़ार सतारह जनवरी से शुरू किया गया सफ़र दो हज़ार सतारह दिसंबर तक मैं कंपनी के अंदर मेंटेन चेयरमैन का लेवल हासिल कर चुका था दोस्तों दिन और रात मेहनत की अगल बगर कुछ भी नहीं देखा घर वालों से मैंने बोल दिया था अब तो ज़िंदगी में आईएमसी के सक्सेस पाए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा दोस्तों आईएमसी के अंदर मैंने चेयरमैन लेवल मेंटेन किया लुधियाना में, में मेरी सेलिब्रेशन हुई पूरी मैनेजमेंट वहां पर बैठी हुई थी और एक बात मैं बताऊं जिस दिन मैं आईएमसी के अंदर चेयरमैन की मेरी सेलिब्रेशन हुई थी उसी दिन उसी हॉल के अंदर टीएस एस मैदान जी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं टी एस मदान जी उसी दिन आईएमसी के अंदर ज्वाइन हुए थे उन्होंने भी मेरी स्टोरी को उस दिन देखा हमारी मुलाकात हुई तो दोस्तों ये मेरा आईएमसी का सफ़र यहाँ से शुरू हो गया उसके बाद फिर कभी मुड़कर नहीं देखा दोस्तों मेरी जो बदल दी थी मेरे पास एक बड़ी बरीजा गाड़ी मैंने ली सपनों की गाड़ी ये बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है लेकिन उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी गाड़ी थी क्योंकि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि कभी एक टू व्हीलर को भी शोरूम से जाके खरीदेंगे तो दोस्तों एक गाड़ी में शोरूम से ले आया एक बढ़िया गाड़ी सुंदर गाड़ी तो दोस्तों मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वहां से चेंज हो चुका था आई एम सी दोस्तों जागरण करना ये भगवती माँ की कृपा से ये उसकी सेवा है उसका लगन है जब मुझे कोई कहता है तो मैं वो भी अपना उसके चरणों में नमन करता हूँ लेकिन आई के अंदर दोस्तों रहकर पैसा ही नहीं मिला मुझे दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मुझे पैसा ही नहीं मिला यहाँ पे घूमना फिरना गोवा टूर थाईलैंड टूर जो कंपनी का पिछले साल गया था 2018 में वो मैंने अचीव किया घूमा बताया घूमा बहुत इंजॉय किया ज़िंदगी की लाइफ को मज़ा आना शुरू हो गया दोस्तों और ये एम सर के साथ मैं गोवा में थाईलैंड में घूमा हूँ और दोस्तों जहाज का सफ़र कभी ज़िंदगी में एसी ट्रेन में बैठकर नहीं देखा था वो जहाज़ वहाज़ तो बहुत दूर की बात थी लेकिन दोस्तों तो अब तो हर महीने एक महीने छोड़ के एक बार दो बार कहीं बाहर अंदर जाना होता है तो सब जहाज भी एक आम बात हो चुकी है ये बहुत बड़ी बात नहीं रही ये सब किसके कारण हुआ दोस्तों ये आईएमसी की वजह के कारण हुआ दोस्तों अब दोस्तों सिर्फ यही नहीं उसके बाद दोस्तों मैं अब तो ये आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ सिर्फ पैसा ही नहीं बहुत बड़े बड़े सेमिनार में कंपनी ने एज ए सेलिब्रिटी मुझे भेजना शुरू किया वहाँ पर जाता हूँ लोग मतलब कि मेरा इतना प्यार सम्मान, सेल्फी लेना ऑटोग्राफ्स लेना ये दोस्तों एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों जिसके पास पैसा है उसको भी ये कहाँ मिलता है दोस्तों जिसके पास पैसा है वो इस जिंदगी को कैसे अनुभव कर सकता है ये कहीं पर नहीं हो सकता सिर्फ आईएमसी के अंदर हो सकता है पैसा भी मिलेगा शोहरत भी मिलेगी प्यार भी मिलेगा उस भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा ये सारा कुछ सिर्फ आईएमसी के अंदर ये मेरा पूरा परिवार दोस्तों ये मेरी पत्नी मेरी बेटी मेरा बेटा हम सारा परिवार रह के आई बिजनेस को करते हैं एक तो सेमिनार में ये मेरे साथ भी गए इनको भी बहुत अच्छा लगा जब वहाँ लोगों ने मेरा इतना प्यार रिकॉर्ड किया तो ये आके कम से कम दो तीन दिन इस उस फीलिंग को भूल ही नहीं पाए भी इतना प्यार इस आई के सिस्टम में मिलता है दोस्तों दोस्तों मैंने लास्ट ईयर ही आई के अचीव किया आपने देखा भी होगा जो कंपनी ने एमडी सर ने सेलिब्रेशन पे मेरा बड़े प्यार से इनाम भी दिया था अम्बेसडर सर तार मैंने को अचीव किया ये मेरी अचीवमेंट थी दोस्तों और दोस्तों सफलता कभी मिलती नहीं है सफलता को हमेशा हासिल किया जाता है सफलता कभी मिलती नहीं है सफलता को हमेशा हासिल किया जाता है दोस्तों वुडाइमसी दोस्तों ये थी दोस्तों आपको आज सुनाई मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों आज मैं बहुत लंबा समय नहीं हूँ आपसे आपसे अब मैं एक बात करना चाहता हूँ एक अपनी तरफ से देना चाहता हूं जिसको आज समझ लेना यदि आज उस मैसेज को आप समझ गए तो दोस्तों मुझे नहीं लगता अभी आपको अभी किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है जो मैंने अपनी जिंदगी में उतारा वो क्या है दोस्तों सुनना मेरी बात को आप आई कर क्यों रहे हो सुनना मेरी बात को दोस्तों आप आईएमसी क्यों कर रहे हो दोस्तों इसकी वजह क्या है यदि इस बात को आज आप समझ गए तो आपके अंदर इतनी बड़ी मोटिवेशन आ जाएगी कि आपको आज के बाद कभी कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको आज के बाद कभी कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुननी पड़ेगी सारा ही सारा सी का राज छुपा हुआ है मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों आप आईएमसी कर क्यों रहे हो दोस्तों सुनना मेरी बात कोई छोटी सी एक्टिविटी करते हैं दोस्तों जब तक आपके पास आईएमसी करने का रीजन नहीं है आपके पास आईएमसी करने का कोई रीजन नहीं है तो आप ऐसे आईएमसी के अंदर काम कर रहे हो जैसे ऐसे आईएमसी के अंदर काम कर रहे हो जैसे आपने वो गेम देखी होगी जिसमें वो छोटा सा लड़का दौड़ रहा है वो ऊपर जाता है ट्रेन के ऊपर जाता है नीचे जाता है क्वाइन खाता है गिरता है उठता है लेकिन दौड़ता जा रहा है दौड़ता जा रहा है लेकिन पहुंचता कहीं पर भी नहीं है दोस्तों तो आप उस दौड़ के अंदर हो दोस्तों सुनना मेरी बात को आई क्यों कर रहे हो दोस्तों मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूं आपको अभी इसी वक्त करनी है आप अभी इसी वक्त दौड़ना शुरू कीजिए दोस्तों जी दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं आप इसी वक्त दौड़ना शुरू कीजिए क्विक फटाफट एक्टिविटी कीजिए मुझे नहीं लगता कोई दौड़ा होगा क्योंकि आपको यह समझ नहीं आई मैंने क्यों कहा मैंने क्यों कहा कि आप दौड़िए दोस्तों एक छोटी सी दौड़ के लिए भी आपको क्यों चाहिए भी मैं क्यों दौड़ू एक छोटी सी दौड़ के लिए आपको क्यों चाहिए और आईएमसी करने के लिए इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको क्यों नहीं चाहिए उसका क्यों आपने अभी तक सोचा ही नहीं है भी आपने आईएमसी करनी क्यों है दोस्तों आगे चलता हूं दोस्तों समझाता हूं मैं आपको आप एक बस स्टैंड पे बैठे हो एक बस की वेट कर रहे हो दोस्तों वहां पे आप जिस सीट के ऊपर बैठे हो वहां से छोटा सा कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है आपके पीछे तो आप क्या करोगे अचानक से दौड़ना शुरू कर दोगे अचानक से दौड़ना शुरू कर दोगे उसके बाद दूसरी सिचुएशन एक बड़ा सा बैल सिंह हिलाते हुए आपके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया तो आपकी स्पीड उससे बड़ी हो जाएगी आप उससे भी तेज दौड़ना शुरू कर दोगे क्योंकि आपके पीछे बैल पड़ चुका है लेकिन दोस्तों तीसरी सिचुएशन में यदि आपके पीछे एक शेर आ जाए वहीं पर एक शेर आ जाए तो आपकी स्पीड कैसी होगी ये आपको भी नहीं पता दोस्तों क्यों देखिए छोटा कुत्ता था छोटी स्पीड थी तो आपका क्यों छोटा था बड़ा बैल था आपकी स्पीड बड़ी हो गई क्योंकि आपका क्यों बड़ा हो गया दोस्तों शेर उससे भी बड़ा था आपका क्यों उससे भी बड़ा हो चुका तो आपकी स्पीड उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई जितना छोटा क्यों होगा आपका आईएमसी करने का आपकी स्पीड उतनी छोटी होगी जितना बड़ा क्यों होगा आपकी स्पीड उतनी बड़ी हो जाएगी और उससे भी बड़ा क्यों होगा तो आपकी स्पीड उससे भी बड़ी हो जाएगी दोस्तों आपको आज आईएमसी करने का क्यों ढूंढना पड़ेगा आप आईएमसी कर क्यों रहे हो छोटी सी स्टोरी से मैं आपको एक कनेक्ट करता हूं आप समझोगे एक शेर और एक बकरी जंगल में निकले नाश्ता करने के लिए ध्यान से सुनना दोस्तों इस स्टोरी को इस स्टोरी को दिल से लगा गई तो आज के बाद आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी एक शेर और एक बकरी सुबह जंगल में निकले दोनों अपने अपने लंच के लिए निकले अपने अपने नाश्ते के लिए निकले दोस्तों दोस्तों बकरी भी नाश्ता ढूंढ रही थी शेर भी नाश्ता ढूंढ रहा था लेकिन शेर की निगाह उस बकरी पे पड़ गई तो शेर को अपना नाश्ता दिख गया शेर ने जैसे ही बकरी की तरफ दौड़ा तो बकरी ने शेर को देख के दौड़ना शुरू कर दिया दोनों दौड़ना शुरू कर दिए आगे बकरी पीछे शेर आगे बकरी पीछे शेर दौड़ते गए दौड़ते गए बकरी को जो भी रास्ते में खड्डा आया वो एक सेकंड में खड्डे में गिरी फटाफट उठी दौड़ना शुरू कर दिया और शेर के जब खड्डा आया तो शेर उठा संभला फिर दौड़ा आगे बकरी जब धूप आई बकरी को धूप का कुछ भी दिक्कत नहीं थी बकरी को धूप कहीं दिख नहीं रही थी बकरी दौड़ रही थी लेकिन शेर को वो धूप सता रही थी शेर धूप के कारण थोड़ा सा रहा था फिर आगे दौड़ रहा था दोनों दौड़ते जा रहे थे कैसे ना कैसे करती बकरी ने एक छोटी सी दो पहाड़ों के बीच में घुस के अपनी जान बचाई और वहां पे शेर हाँपता हांपता बाहर बैठ गया सुनना दोस्तों शेर बाहर बैठ गया शाम हो गई शाम को शेर को अपनी भूख सताने लगी उसने फैसला लिया अब बकरी बाहर नहीं आएगी तो अब मैं निकल जाऊं तो बकरी को अंदर कहाँ भूख लग रही थी क्योंकि बकरी की बाहर तो जान पे बनी हुई थी बकरी आराम से बैठी हुई थी जब शेर जाएगा तब जाऊंगा शेर जाते वक्त बोला भी बकरी एक बार तू बाहर आ जा बकरी ने बोला मैं कैसे बाहर आऊं आँ? बाहर आऊंगी तो तू मुझे खा जाएगा शेर ने बोला अब मैं खाऊंगा नहीं तुमसे दो सवाल करूंगा मैं चला जाऊंगा बकरी बाहर आई उसने बोला हाँ जी बोलिए अंदर से बोलिए मुझे बताओ क्या बात है तो शेर ने बोला मुझे ये बता मैं तुमसे ताकत से बड़ा मैं तुमसे शरीर से मेरे माइंड पावर तुमसे ज्यादा मेरे में ताकत ज्यादा मैं ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं लेकिन तो फिर भी मुझसे बच कैसे गई तो बकरी ने क्या कहा कि शेर महाराज तुम्हारी दौड़ और मेरी दौड़ में फर्क था तुम्हारी दौड़ और मेरी दौड़ में फर्क था तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रही थी तेरा गोल और मेरे गोल में फर्क था मैं चाहे तुमसे छोटी थी लेकिन मेरा गोल बड़ा था और मेरी जिंदगी का सवाल था तो मैं अपने गोल के लिए तुमसे भी तेज दौड़ी समझ आया कुछ दोस्तों शेर को सिर्फ लंच दिख रहा था उसको धूप भी लग रही थी उसको गड्ढा भी दिख रहा था बकरी लाइफ के लिए दौड़ रही थी उसको धूप भी नहीं रही थी उसको गड्ढा भी दिख नहीं रहा था उसकी लाइफ का सवाल था और शेर के लंच का सवाल था दोस्तों समझ आना दोनों के क्यों में अंतर था वो लंच के लिए दौड़ रहा था वो लाइफ के लिए दौड़ रही थी ये क्यों है दोस्तों ये कारण है आपको अपना कारण ढूंढना पड़ेगा अपना क्यों ढूंढना पड़ेगा कारण ढूंढना पड़ेगा आप आई कर क्यों रहे हो दोस्तों इस बात को जानना पड़ेगा आपको आज ही अपनी किताब के ऊपर लिख दीजिए भी आप आईएमसी कर क्यों रहे हो आपका आईएमसी करने का कारण क्या है जब तक कारण नहीं ढूंढोगे तब तक आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं हरेक का कारण अलग अलग हो सकता है दोस्तों हरेक का कारण अलग अलग हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों से मैं अक्सर पूछता रहता हूं एक सेमिनार में बैठा था मेरे पास एक लड़की आई उसने मुझे बड़े प्यार से आई के बारे में पूछा तो मैंने उससे एक छोटा सा क्वेश्चन किया मैं क्या गुड़िया आप आई क्यों कर रहे हो आपकी उम्र इतनी बड़ी ज्यादा नहीं लग रही मुझे अभी अनमेरिड हो इतना मेहनत कर रहे हो तो दोस्त उस लड़की ने मुझे क्या कहा कहते सर मेरे पापा जी के पास मेरा कोई भाई नहीं है मैं अकेली लड़की हूँ तो मेरे पापा जी हमेशा ये फील करते रहे खर्चा ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने दूसरा बच्चा भी नहीं किया लेकिन उन्हें ज़िंदगी में इस बात का एहसास रहा कि मेरे पास कोई लड़का नहीं है तो यदि लड़का होता तो मेरा हाथ बटाता मैं जिंदगी आसान कर लेता मैं उनकी लड़की तो हूँ लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस बात का उनको एहसास रहता है दोस्तों तो दोस्तों मैंने अपने पापा जी को उस एहसास से बाहर निकालने के लिए आईएमसी करने का फैसला किया कि मैं उनको पैसे कमा के दिखाऊंगी मैं उनको अपने भाई की तरह बन के दिखाऊंगी उनको ये पता चल जाए और लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं था ये उसका कारण था आई करने का तो उसको कभी कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों क्या एक मेरी लड़के से बात हुई तो मैं क्या दोस्त आप आई एम सी क्यों कर रहे हो उसने मुझे बताया मेरी मम्मा मेरी माता जी जब से मैं पैदा हुआ हूँ लोगों के घरों में काम करती है पैसे इकट्ठे करती है मुझे पालती है तो हमारे पूरे परिवार को पालती है मेरे पापा जी शराब पीते हैं पैसे खराब कर देते हैं लेकिन वो मेरे लिए इतना काम करती है तो मैंने जिंदगी में सोचा भी मैं पढ़ लिख भी गया इतने पैसे लगाने के बाद भी कभी नौकरी नहीं मिलेगी काम नहीं कर पाऊंगा इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा और आईएमसी में मैंने इतने लोगों को सफल हो चुका हूँ पैसे कमाते हुए देख चुका हूं तो मैंने डिसीजन लिया भी आईएमसी के अंदर मैं ऐसा पैसा कमाऊंगा कि मैं अपने माता पिता की सारी जिंदगी की खुशियां उनके चरणों में रख दूंगा ये उसका कारण था आपका कारण क्या है दोस्तों आपने अभी तक को कारण डिसाइड नहीं किया आपका भी कोई कारण हो सकता है अपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना जी आपका कारण हो सकता है टू व्हीलर लेना आपका कारण हो सकता है लेना आपका कारण हो सकता है मेरा भी कारण था मेरा भी कारण था सीखने का दोस्तों मैं जब बचपन में मैंने आपको बताया मैं मेरे जितना रिश्तेदार थे सभी बहुत अमीर थे दोस्तों जब उनकी शादी में जाते तो मुझे एहसास होता था अपने होने का हम रिक्शों का भी जिगाड़ करके जाते थे वो कारों से आते थे हम हमारे कपड़े उनके कपड़े कभी मैच नहीं करते थे हम उनके साथ बैठ नहीं सकते थे मुझे फील होता था हमारे से वो सगन नहीं देते थे हमारी ऐसी कंडीशन थी दोस्तों तभी मैं सोचता था भी जिंदगी में कब मैं सिर उठा के इनके बीच आ सकता हूँ अब वो कारण था जिस कारण से जब मुझे आईएमसी मैंने जिंदगी में बहुत से काम किए लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया मैं बढ़ता गया लेकिन जब मिश्रा जी को मैंने सफल होते हुए देखा तो जिंदगी के अंदर एक सीख आ गई मुझे अपना कारण पता लग गया मैंने आईएमसी के अंदर वो सब कुछ पा सकता हूं जो मुझे आज तक नहीं मिला तो मैंने एक मिनट डिसीजन लिया दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में एक मिनट में कभी किसी की जिंदगी नहीं बदली जा सकती लेकिन एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है दोस्तों वो एक मिनट का फैसला मेरी जिंदगी में कारगर साबित हुआ दोस्तों मैंने दो में जब मिश्रा जी को देखा उसी मंथ में मैंने सारे काम छोड़ दिए और आईएमसी को करना शुरू कर दिया और उसी साल के एंड तक मैं कंपनी के अंदर चेयरमैन बन चुका था अगले साल मैंने गाड़ी ली उसके अगले साल मैंने अपना घर बदल दिया ये बहुत सुंदर आईशान घर में हूं मैं दोस्तों ये रूम है मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरा बहुत सुंदर घर है अब मैं सेटल हूँ लेकिन अब भी मेरी इच्छाएं रुकी नहीं है मेरी इच्छाएं रुकी नहीं है दोस्तों मेरा अब भी एक कारण छुपा हुआ है जो मैंने बरीजा गाड़ी ली है वो बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है मेरे दिल के अंदर एक बात है है कोठी को बड़ा करना है, और एक गाड़ी अपने रिश्तेदारों में से सबसे बड़ी गाड़ी लेके मैं आऊंगा और वो भी आई एफ सी के पैसे से लेके आऊंगा दोस्तों ये अंदर सी छुपी हुई है दोस्तों ये मेरा कारण है आज आपने अपना कारण ढूंढना है दोस्तों कुछ नहीं करना आपने कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको कोई स्टोरी किसी की अपनी स्टोरी से ढूंढिए आपका पेनफुल रीजन क्या है आईएमसी करने का कोई पेनफुल रीजन आज लिख दीजिए अपनी नोट के ऊपर जब आपने वो पेनफुल रीजन लिख दिया दोस्तों आप दिन और रात सिर्फ एएमसी का चेयरमैन का पिन दिखना शुरू हो जाएगा कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट वो कैप दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों आप निकल जाओगे तो आप कंपनी के अंदर छाए दोस्तों ये आपका कारण हो सकता है दोस्तों दोस्तों मैं आज बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं और कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहूंगा मैं आपसे यही करना चाहूंगा वे आज अपना कारण रूढ़िए और ये जो मैंने आईएमसी क्यों करनी है इसका मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो मेरी आधी शूटिंग हो चुकी है अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको एक आदि में, में मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मंचा यूब चैनल के ऊपर वो वीडियो आएगी आपको तो आप उसको अच्छे से देख भी सकते हो अपनी किसी टीम को भेज भी सकते हो मेरी स्टोरी भी सारी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डरी हुई है दोस्तों और एक मैं बहुत तो पावरफुल टॉपिक जो अभी जो समय चल रहा है कोरोना का उसके अंदर हम सोशल मीडिया में कैसे घर बैठे बैठे अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं और काम कर सकते हैं पावरफुल मैं एक टॉपिक तैयार कर चुका हूँ उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं तैयार करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा वो आप उसको देख भी सकते हो दोस्तों तो आओ मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूँगा मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ छोटा सा अपनी गाड़ी के कराके दर्शन करा के दर्शनीय है दोस्तों भी रही है तो वो तो उसके बाद मैं आपसे अलविदा कहूँगा और दोस्तों मैं आपको पीछे कर ये दोस्तों ये मेरा देखिए यहाँ पर ये मेरा ड्राइंग रूम है ये मेरा ऑफिस भी है और यहाँ पे जो भी कोई आता है यहाँ बैठ के हम चाय पानी पीते हैं क्योंकि मुझे लगता है जो भी आता है मेरा पूरा मकान देख करना तो उसको ज़रूरी नहीं है लेकिन मेरा ऑफिस मेरा ड्राइंग रूम उसको देखना बहुत ज़रूरी है और ये मेरा ड्राइंग रूम है दोस्तों मैं आगे आऊँ आपको और दोस्तों ये ये मैंने आ, अपने घर के अंदर आई एम सी कॉर्नर बना रखा है ये बिल्कुल आप देख सकते हो आईएमसी एम कॉर्नर है यहाँ पे कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो घर में मेरे प्रोडक्ट पे देख कर तो वो यहाँ से बात शुरू हो जाती है इसके ऊपर मैंने सर बहुत अच्छा टॉपिक बनाया हुआ है आईएमसी मैजिक कॉर्नर मैंने अपने फेस यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो डाली हुई है आप उसको देखना वो बहुत पावरफुल टॉपिक है और दोस्तों ये है मेरी गाड़ी अब ये है, ये तकरीबन दो महीने से चली नहीं है तो उसको भी समझ नहीं आ रही लॉकडाउन के वजह से सिर्फ सेल्फ गाता हूँ दस दिन में और छोड़ देता हूँ आई ये गाड़ी और ये मेरा घर है दोस्तों ये मैं आपको बहुत खूबसूरत और मैं जितना भी है भगवान की कृपा से ये मेरा घर है और दोस्तों बस लास्ट में मैं आपसे ज़्यादा करूँगा आपको आ, मैं दोस्तों मैं आपको लास्ट में सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा दोस्तों सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा दोस्तों तो आपको यदि वो चमक लेनी है तो आपको चार साल आईएमसी की भट्टी के अंदर तपना भी पड़ेगा यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है पंख खोल जमाना तो सिर्फ उड़ान को देखता है जमाना तो सिर्फ उड़ान को देखता है गुडायम सी दोस्तों आज ही अपनी अपलाइन के साथ बैठिए अपना पेनफुल रीजन ढूंढिए आईएमसी क्यों करनी है नोट कीजिए अपनी अपलाइन के आज फोन कीजिए आप साथ बैठ तो सकते नहीं फोन कीजिए अपनी गोल की सेटिंग कीजिए और प्लानिंग कीजिए और एक्शन कीजिए 2020 में चेयरमैन बनिए क्राउंड प्रेसिडेंट बनिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों गुड एमसी सी गुड लक दोस्तों